आजकल बागवान साथियों, फ्रूट थिनिंग का बहुत ही उपयुक्त समय है। जिन बागवान साथियों के अच्छी क्रॉप लगी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस हिसाब से फ्रूट थिनिंग करनी चाहिए। इस साल हम हर साल हम रेगुलर काटते हैं, इस साल हम थोड़ा ज़्यादा काट रहे हैं। अमूमन हम लगभग 85 से लेकर 90% तक कट डाउन कर रहे थे, 80-90 के आसपास फ्रूट थिनिंग कर रहे थे। इस साल मेरा जो अपना टारगेट है वो 90 से लेकर 95% के आसपास में फ्रूट थिनिंग की ओर जाऊंगा। लगभग इतना फ्रूट हम कट करके नीचे फेंकेंगे। उसके साथ साथ एक बढ़िया बात ये हो जाती है फ्रूट थिनिंग में कि कोई भी दाग है, किसी की कीड़े ने आपका फ्रूट को डैमेज किया है, उसको भी आप अभी काट दें। बहुत सारी जगह ओलावृष्टि हुई है, अगर आपको लगता है कि कोई फ्रूट ऐसा है जिसमें दाग है और एक ऐसा है जिसमें नहीं है, तो दाग वाले को आप काट सकते हैं, या किसी को में कीड़ा लगा है, सेला लगा है, उसको भी आप कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फ्रूट बचेगा वो आपके पास क्वालिटी फ्रूट बचेगा। इसके साथ साथ बागवान साथियों, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे या अपने जो लोकलाइज है हमारा और कम्युनिटी, एप्पल कम्युनिटी, उसमें अगर कंपटीशन लेना है, जैसे कि आपको पता ही होगा इस साल से केजी के हिसाब से सेब बिक्री पे सरकार ने आदेश दिए हैं, जो कि एक सराहनीय ही पहल है और अच्छा कदम है। तो जब आप केजी के हिसाब से जाएंगे तो आपको फ्रूट क्वालिटी की ओर निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको मंडी में अपने फलों के उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए फ्रूट थिनिंग बहुत ही कंपल्सरी और ज़रूरी है। इसको अपनी पूरी वर्ष की एक्टिविटी का अहम हिस्सा ज़रूर माने। मगर इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से वेजिटेशन बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 फीट की ग्रोथ अभी आ चुकी है हमारे प्लांट में, जो कि एक अच्छा साइन है। लास्ट ईयर के प्लांट हमारे स्ट्रेस में बहुत ही ज़्यादा हो गए थे ड्रॉट की वजह से, इस साल बहुत अच्छी वेजिटेशन है। मगर इस वेजिटेशन को भी हमारे को कंट्रोल करना है, जो आपको अगले साल की क्रॉप देते हैं वो कार्य होगा हमारा समर प्रूनिंग का। क्योंकि वेजिटेशन जब आएगी तो छिट्टा ज़्यादा पैदा होगा पौधों में, जब छिट्टा ज़्यादा पैदा होगा तो आपके बीमा बड़ा कम बनता है, तो जैसे ही आपका बीमा कम बढ़ेगा तो अगले साल फिर से क्रॉप की प्रॉब्लम आपको आएगी। हमारे यहाँ भी पानी के साथ मतलब 2-1 सेकंड का ओलावृष्टि हुई हवा के साथ, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक पेड़ में शायद 40 से 50 ऐसे फ्रूट हो गए जिसके ऊपर छोटे छोटा सा एक एक या दो दो दाग पड़े, तो उसको भी हम अभी कट डाउन करेंगे। अगर आप यहाँ देख पाएंगे, आप देखिए ये हमारा फ्रूट पूरा सेफ है, ये वाला हमारा सेफ है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो इसमें थोड़े से एक दो दाग पड़ा है, सामने वाला फिर सेफ है। तो जो ये दाग वाला है इसको हम कट डाउन करेंगे और इसमें जो बहुत ही बढ़िया है उसको रखेंगे। यहां भी आप देखिए एक छोटा सा बिल्कुल ये रिकवर हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा, अगर आप देख पाएंगे छोटा सा दाग है। तो जो ये छोटा सा दाग है इसको भी हम कट डाउन करेंगे। इस बीमे में हमारे एक फ्रूट यहां है और बीच बीच में आपको पूरा ही बीमा खाली भी करना है। साथ में यहां पर जैसा कि आपका ये बीमा है, इसमें हमारे 3 बीमे थे आगे निकले हुए, 1, 2 और 3। इसमें हमने 2 में सिंगल सिंगल फ्रूट रखा है और ये जो तीसरा बड है इसको हमने पूरी तरह खाली कर दिया है। तो जो ये खाली क्या बड है, अगर आप इसके साथ यहां देखेंगे एक नया बीमा डेवलप हो रहा है जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। तो जो ये नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा काम आएगा, तो इसमें तभी फ्रूट लगेगा जब आप इसके फ्रूट को ये इस साल कट डाउन करेंगे। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है आपके रोजमर्रा का और आपके बगीचों के मेंटेनेंस का, तो आपको इसको बखूबी करना है और अच्छे तरीके से करना है अगर आप रेगुलर क्रॉप लेना चाहते हैं। मूल मंत्र हर साल फूल आने का और सेब लगने का है पॉलिनेशन, उसके बाद है आपकी फ्रूट थिनिंग,
उसके बाद है बैलेंस न्यूट्रिशन, ये तीनों ही चीजें आप एक कैटेगरी में रख ले तो कोई दोहराई नहीं होगी। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, जैसा कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन इस साल रही तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर के फ्रूट सेटिंग नहीं हुई,